टोंग के महेंद्रवास इलाके में कांस्टेबल मुकेश जाट की गांव के कुछ युवकों से मामूली कहा सुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने कांस्टेबल मुकेश जाट पर धारदार चाकुओं से एक के बाद एक कई वार कर दिए। वारदात के बाद आरोपी पीड़ित कांस्टेबल को लहूलुहान हालात में छोड़कर फरार हो गए। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने महेंद्रवास थाना पुलिस की मदद से घायल कांस्टेबल मुकेश जाट को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां भी अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। घायल कांस्टेबल की हालात गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन करीब एक घंटे के लंबे इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसी बीच दर्द से जूझते तड़पते कांस्टेबल मुकेश जाट ने दम तोड़ दिया। वो जाते ही गिर गया, इसको उठा के हमने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस की गाड़ी में यहाँ हॉस्पिटल भेज दिया। घटना के बाद से टोंग पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार शर्मा समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना कर कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस महकमा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंग। जयपुर के बिरला मंदिर।